सोल्यूशन ऑफ सब्स्टांस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग कह रहे हैं कि कोई सब्स्टांस एक्स है जिसका सोल्यूशन हम वाइट वाशिंग के लिए यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग मीन्स जो दीवारों पे हम पेंट करवाते हैं जो कली करवाते हैं उसे वाइट वॉश बोला जाता है तो वो सोल्यूशन कौन सा है किस चीज़ का सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं ये पूछा गया है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला तो हमने ये सब्सटेंस एक्स को आइडेंटिफाई करना है इसका नाम क्या है और साथ में इसका फार्मूला लिखना है देन राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन इक्वेशन वन अब विद वाटर फिर हमने बताना है कि ये जो सब्सटेंस हमने आइडेंटिफाई किया है अगर इसमें वाटर डाल दें तो इसका रिएक्शन कैसे होता है ओके एंड द आंसर इज द सब्स्टांस हुज़ सोल्यूशन इन वाटर वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज़ कैल्शियम ऑक्साइड यस बेटे ये रह, इसका आंसर है कि जो चीज़ हम पानी में डाल के जिसको वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं उस चीज़ का नाम है जी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम लाइम या चूना भी बोलते हैं ओके सो द सब्सटांस एक्स इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फार्मूला इज़ सी ए ओ इसका फार्मूला सी ए ओ है मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड है ओके okay? ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर अब दूसरा पूछा गया था कि अगर इस सब्सटेंस को वाटर में डाल दें तो क्या रिएक्शन होगा एंड द आंसर इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर इज कैल्शियम ऑक्साइड सी ए रिएक्ट्स विद वाटर मीन्स एच टू ओ टू प्रोड्यूस सी ए ओ एच टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डालने से सी ए ओ एच टू मतलब सी ए ओ एच टू प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं स्लेक्ड लाइम ठीक है और साथ में बहुत मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन